नमस्कार साथियों, आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्मदिन पर उनके रचनात्मक अवदान पर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ हिंदी विभाग के समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ल और हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा मौजूद हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारतेंदु को लेकर के। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरंभिक हिंदी का निर्माण जब हो रहा था, खास करके जो आज हमारा हिंदी का स्वरूप है, खड़ी बोली हिंदी का, उस समय जो नवजागरण का समय था, उस पूरे परिदृश्य को जो एक साथ संबोधित हिंदी में कर रहे थे ऐसे कवि भारतेंदु, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शशांक जी की ओर चलता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ कट करना तो इसका। नमस्कार, आज 9 सितंबर को भारतेंदु जी का जन्मदिन है और 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बनारस के एक धनाढ्य परिवार में आपका जन्म हुआ था और आपके पिता स्वयं ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि हैं और हिंदी के प्रथम नाटकों में से नहुष नाटक के रचयिता भी हैं। भारतेंदु के एक दो मुख्य अवदानों पर मैं थोड़ी सी बात रखकर अपनी बात को शुरू करूंगा। एक बात तो ये थी कि जिसकी ओर रामचंद्र शुक्ल ने भी इशारा किया है कि समाज परिवर्तित हो चुका था, समाज आगे चल रहा था और साहित्य, हिंदी साहित्य कहीं पीछे चल रहा था। भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान ये था कि साहित्य को समाज के साथ उन्होंने जोड़ा। वो इस रूप में जोड़ा क्योंकि नवजागरण का पूरा परिदृश्य हमारे साथ, हमारे सामने उपस्थित हो चुका था। राजा राम मोहन राय के आंदोलन हो, ईश्वरचंद विद्यासागर के आंदोलन हो, या पूरा नवजागरण का जो परिप्रेक्ष्य था वो चल रहा था। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो गई थी, चाहे उदंत मार्तंड हो या दिग्दर्शन पत्रिका हो जो 1854 प्रकाशित हुई थी। लेकिन साहित्य में अभी भी ब्रजभाषा की कविताएं थी और ब्रजभाषा की कविताओं से तात्पर्य यह था कि वो कविताएं भक्ति परक कविताएं थी, प्रेम परक कविताएं थी, यानी उनका जो कंटेंट था, विषय था, वो कहीं पीछे जैसा चल रहा था, रीतिकालीन परिवेश था। भारतेंदु का जो सबसे बड़ा योगदान ये था कि वो जो कंटेंट था, साहित्य का जो कथ्य था, उसको वे आधुनिक मनोचेतना से वो जोड़ते हैं। तो कथ्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जो बड़ा काम वो कर रहे थे, हालांकि वो उसमें पूरी तरह सफल नहीं हुए, कि कविता में वो खड़ी बोली को लाने का प्रयास कर रहे थे। रसा उपनाम से भी लिखते थे, 70 कविताएं उन्होंने खड़ी बोली की लिखी, लेकिन ये कहकर शायद उन्होंने इतिश्री कर ली कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ खड़ी बोली की कविता लिखने का, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है या मेरे ये रुचि के मनोनुकूल नहीं है। यानी उनका जो संस्कार था वो कहीं ब्रजभाषा या रीतिकालीन था भारतेंदु का, लेकिन विचार जो था वो खड़ी बोली या आधुनिकता का आ चुका था। और यही कारण है कि वो सारी गद्य विधाओं के जनक भारतेंदु युग बनता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में जिसे भारतेंदु उनके सम्मान में या उनके कृतित्व को देखते हुए उसका नामकरण भारतेंदु युग कर दिया गया। हालांकि ये नामकरण भी पर्याप्त नहीं लगता कई बार, क्योंकि 1885 में खुद भारतेंदु की मृत्यु हो चुकी थी। और लेकिन उस प्रभाव को आगे तक विस्तारित कर दें तो 1900 ईस्वी तक उस पूरे युग का नामकरण आप भारतेंदु युग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस नामकरण पर भी विचार किया जा सकता है। तो वो जो चाहे वो बंगाल गए थे तो नवजागरण की अपनी यात्रा को लेकर यात्रा संस्मरण लिखा, रेखाचित्र की शुरुआत तो उस रूप में बाद में होती है लेकिन रेखाचित्र में भारतेंदु काल में लिखे जाने लगे थे। निबंध का की बड़ी लंबी परंपरा भारतेंदु के माध्यम से और फिर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी नारायण प्रेमधन के माध्यम से चली। आलोचना वहीं से शुरू होती है और भारतेंदु का नाटक संबंधी जो 1863 का निबंध है, जिसे आप सैद्धांतिक समीक्षा भी कह सकते हैं, वो भी भारतेंदु ने उसकी भी शुरुआत की, कहानियों की शुरुआत की। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न लिखा, अधूरा उपन्यास था और इस तरह से बहुत सी चीजें थी जो भारतेंदु शुरू कर रहे थे, लेकिन कविता की दृष्टि से वो पक्ष अभी अधूरा था। इतिहास में ऐसे ही चरण होता है कि एक व्यक्ति पूरा काम नहीं करता है। पत्रिकाएं, पत्र जो सबसे बड़ा योगदान था जिसकी ओर राजेंद्र जी इशारा कर रहे हैं कि पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद चंद्रिका, हरिश्चंद मैगजीन और बालाबोधिनी, ये चार पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद ने शुरू की। और हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं में, क्योंकि अभी तक की जो पत्रिकाएं थी वो राजनीतिक थी, धार्मिक थी, दूसरे विषयों पर थी, लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता का श्रेय भी भारतेंदु हरिश्चंद को है। इसलिए जो साहित्य का पूरा परिदृश्य
उपस्थित करने का काम है, मनोचेतना निर्माण करने का काम है भारतेंदु हरिशचंद्र एक तरह से करके हिंदी साहित्य को उस मुख्य धारा से जोड़ते हैं जिसपे आज हम लोग आगे उस यात्रा में कहीं उस यात्रा की ओर अभी भी शामिल हैं। नवजागरण के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर के क्या एक छवि बनती है, क्योंकि एक लंबी बहस रही है जागरण और पुनर्जागरण को लेकर के। भारतेंदु का वही समय है जब हिंदी में नवजागरण का प्रभाव आना शुरू होता है, और ऐसे में भारतेंदु की जो विविध आयाम रचनाओं में दिखते हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं राजन सर? ये बहुत एक दो दिन तैयारी नहीं थी हमारी, और फिर सवाल आप करते हैं बहुत कठिन, उसमें गड़बड़ ये होता है कि आदमी बोरा जाता है कि कहेंगे क्या। नवजागरण की अवधारणा जो है, रेनेसा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, और जो पश्चिम की अवधारणा है, भारत में जब आई तो बिल्कुल पश्चिम से प्रक्षेप करके आई। ऐसा लगता था कि वहां से उठाकर इसे यहां रखेंगे और ये फिट बैठ जाए। हिंदी में जब नवजागरण आया उससे पहले जो प्रादेशिक नवजागरण थे जैसे बंगाल का या महाराष्ट्र का, उसका चरित्र बिल्कुल अलग था। भारतेंदु के वहां यानी हिंदी पट्टी के अंदर जब नवजागरण आया तो अपने साथ बहुत सारे अंतर्विरोध लेकर आया। दिक्कत वहां से आई जब हम नवजागरण पर बात करना शुरू किया और हमने नवजागरण के जो बेसिक्स थे यूरोप के उसको ही लेकर बात करते रहे। हमारे वहां जाति व्यवस्था को लेकर जो जैसे अंतर्विरोध कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं उसको बिल्कुल नकार दिया। हमारे वहां एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट था जिसके सबसे बड़े प्रतिनिधि भारतेंदु हैं, वो है राजभक्ति और देशभक्ति का कॉन्फ्लिक्ट। इसको बिल्कुल शुरू के आलोचकों ने हटा दिया। इसके अलावा स्त्री के प्रश्न को आदर्श की तरफ को धकेल दिया और व्यवहार की तरफ पर बात नहीं, बहुत बात तक 80 और 90 तक भी बात हम नहीं करते। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है भारतीय नवजागरण को लेकर, दिक्कतें नवजागरण को लेकर, हिंदी नवजागरण को लेकर। सबसे बड़ी जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो तब हुआ जब आधुनिकता की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कहा गया कि मॉडर्निटी किसे कहते हैं, क्या मॉडर्निटी हर कम्युनिटी की अलग होती है? तीसरी दुनिया के देशों की मॉडर्निटी जिसमें भारत शामिल है वो बिल्कुल अलग है, वो उस तरह से मॉडर्न नहीं होता है जिस तरह से इंग्लैंड होता है, क्योंकि हमारे वहां औद्योगिक क्रांति जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, हमारे वहां उस रिवोल्यूशन का पार्ट हम बनते हैं लेकिन किसी तरह की औद्योगिक क्रांति नहीं है। भारतेंदु के साथ भी दिक्कत यही आई, और बहुत बाद में मुझे याद है, आप लोगों को शायद कोई और संदर्भ याद होगा, मुझे जितना याद है कि भारतेंदु के इस कॉन्फ्लिक्ट पर जो राजभक्ति और देशभक्ति का कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले नजर इतिहासकार सुधीर चंद्र की गई थी। सुधीर चंद्र का अंग्रेजी में एक आर्टिकल है जिसका जिसको नोटिस लिए पुरुषोत्तम जी ने, और पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा है भारतेंदु के राजभक्ति और देशभक्ति के बीच के अंतर को। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक उन दिनों आई थी जो बाद में विवादास्पद हो गई, वो थी वीर भारत दरबार के रिश्ता कश। उस पुस्तक ने हमको बताया कि भारतेंदु के नाम पर हमने एक जो बड़ा कल्चर रचा है जिसे ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं, उस ग्रेट ट्रेडिशन की कितनी अंतर्धारा। जब भारतेंदु हिंदी और उर्दू के विवाद को लेते हैं और हिंदी का पक्ष लेते हैं या राजा लक्ष्मण सिंह लेते हैं तो वो बड़े प्रोग्रेसिव ठहराए जाते हैं। वही बात जब उर्दू का पक्ष लेते हुए हिंदी को आगे करते हुए सितारे हिंद कहते हैं तो सितारे हिंद को एक तरह से देशद्रोही घोषित करने की मुहिम हिंदी में चल पड़ती। दरअसल किसी एक को छांटने से समस्या हल नहीं हो, समस्या हल होगी तब जब हम उस कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे जो हिंदी उर्दू का कॉन्फ्लिक्ट है, जो देशभक्ति और राजभक्ति का कॉन्फ्लिक्ट है। और आज के संदर्भ में देशभक्ति और राजभक्ति फिर से मुझे लगता है कि ये विवादास्पद सवाल है, क्योंकि जब हम राजभक्ति कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम देशभक्त भी हो रहे होते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब आप राजभक्त हैं तभी आप देशभक्त हैं, ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में भी वैसे ही लागू होती। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब भाषा वाले मसले पे आते हैं तो ऐसी क्या वजह रही होगी उर्दू को नकारने की, जबकि उनकी कई ऐसी कविताएं आपको मिल जाएगी जो उर्दू के समर्थन में लिखी गई है। जो बात शशांक जी भी कह रहे थे कि उन्होंने इतनी कविताएं हिंदी में लिखी, और बकायदा उन्होंने संभवतः अगर मुझे ठीक याद है तो राधा कृष्ण राय कृष्ण दास को या राधा कृष्ण जी को किसी को पत्र लिखा था, कहा था कि मैं
अच्छी भाषा है, मैं मुझसे नहीं सर पा रही, नहीं सर सर हाँ ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब कि आप भी जानते हैं कि उस वक्त हिंदी कहीं और भी बन रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिस उर्दू विरोध से शुरू होता है 1900 के आसपास से, वही इतिहास बताता है कि मोमिन और गालिब बहुत अच्छी हिंदी उस वक्त लिख रहे थे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास से ये लोग गायब गायब। और यही वो भारतीय नवजागरण की, हिंदी नवजागरण का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां से चीज दबा कर छुपाई जा रही है। अगर ये नहीं होता, आपको याद होगा वो बंगाली इतिहासकार हैं रजत कांत राय, उनकी एक किताब है 1857 तक, उन्होंने उस किताब में ये जिक्र किया है कि उर्दू को, उर्दू के पूरे इतिहास को जिस तरीके से हमने छुपाया, उसमें क्या हुआ कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, जहां से हिंदी नवजागरण शुरू हो रहा था, उसके अंदर ये समस्याएं लोगों के समक्ष आई, जो इश्तेहार निकले हिंदी हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों की तरफ से, उसमें हिंदू भाइयों के लिए अलग तरह से बात कही गई और मुस्लिमों के लिए अलग तरह से बात की गई, लेकिन उस पूरे इश्तेहार में कहीं भी इनको दो नेशनलिटी की तरह नहीं देखा, इंडियन नेशनलिटी के भीतर दो कौमों की तरह देखा था। तो ऐसा लगता है कि अगर वो चेतना विकसित हुई होती तो शायद दो नेशनलिटीज की बात जो आगे जाकर कहने लगी वो नहीं हो, नहीं हो ये बात राय साहब ने बहुत शानदार ढंग से कही। एक बात ये भी थी ना कि उस समय जो भाषा और लिपि का जो आंदोलन चला, और वो भी बाद के दिनों तक झगड़ा पुख्ता होता है, दरअसल भाषा का आंदोलन था ही नहीं, झगड़ा था लिपि का, नागरी लिपि नागरी और फारसी, वो जो आंदोलन चला और मालवीय जी शामिल हुए, अयोध्या प्रसाद खत्री हुए, और बहुत सी चीजें ऐसी होती गई कि वो पुख्ता करती गई इस विवाद को। और थोड़ी आपने अच्छा नाम लिया अयोध्या प्रसाद खत्री का, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हाल में मंगलम जी से भी कह रहा था कि इस पर एक अच्छा शोध हो सकता है, क्योंकि मैं जितना मैंने पढ़ा अयोध्या प्रसाद खत्री को ढूंढ ढूंढ कर, अयोध्या प्रसाद खत्री जिसे कहते हैं कि प्राणपण से किसी के पीछे लग गया, अपने खर्चे पर वो किताबें छाप कर लोगों को भेज रहे, वो कह रहे थे कि भैया हिंदी भाषा जिसे खड़ी बोली कहते हैं इस पर ही कविता होनी चाहिए, आप कविताएं लिखिए लिखवाइए, तरह तरह की हिंदियां उन्होंने छाट कर निकाली है, मौलवी स्टाइल की अलग हला के। और आप यकीन नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन का पत्र है उनको खत्री जी को, आप मेरे पास किताबें मत भेजिए, बकायदे साफ मना कर रहे हैं। ग्रियसन जान रहे हैं कि ये बात आदमी ठीक बात कह रहा है, शायद औपनिवेशिक दृष्टि जानती थी कि ये आदमी सही बात कह रहा है, इसलिए उसको दबाना है। और आप ढूंढिएगा, हो सकता है खत्री जी वाला जो मामला है और बनारस के विद्वानों का जो मामला है, वो पटना और बनारस का भी आपसी कॉन्फ्लिक्ट, हाँ वो खड़गपुर एक्सप्रेस का भी, हाँ मुझे लगता है उसमें वो भी शामिल। और गुलेरी जी का एक आर्टिकल, गुलेरी जी का एक लेख है खत्री जी पर, बहुत व्यंगात्मक तरीके से लिखा है, उसमें ये बात उभर कर आती, हालांकि गुलेरी जी कहीं पर उनके अवदान को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी बनाते हैं और बनारस वालों को उनसे अलग करते हैं, तो ये पटना और बनारस का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। खैर थोड़ा सा नाटकों की ओर आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों पर अगर कुछ टिप्पणी करें, खास करके अंधेर नगरी और तमाम ऐसे जो उनके नाटक हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटक। देखिए मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि वो जो पूरा युग था ना, वो बनता हुआ युग था, अंतर्विरोध अपने ढंग के थे। राजेंद्र जी ने इशारा किया कि बंगला नवजागरण, मराठी नवजागरण, तमिल नवजागरण, उनकी कुछ समस्याएं थी, वहां दलित आंदोलन भी उस पे साथ थे। बंगाल का नवजागरण शुद्ध रूप से वैचारिक और औपनिवेशिक उस तरह से था, हिंदी नवजागरण की अपनी समस्याएं थी, हिंदी प्रदेश की अपनी समस्याएं थी, उसके अपने अंतर्विरोध भी साथ साथ चल रहे थे, उसी अंतर्विरोध में उर्दू और हिंदी का झगड़ा भी शामिल हो गया बाद के दिनों में, औपनिवेशिक कारण भी थे। लेकिन कुल मिला जुला के जब इस बात को आप समझें कि ये वो शुरुआती दौर था, हिंदी के अपने बनने, भाषा के बनने का भी दौर था, हिंदी में गद्य लिखे जाने की शुरुआत का भी दौर था, और पूरा जो परिदृश्य खड़ा हो रहा था गद्य की ओर। और ये तो तय बात है कि जब हमारी वैचारिक चेतना पहले मुखर होती है, संवेदना बाद में जुड़ती है, कविता संवेदना की भाषा है या विधा है, तो इसलिए उसमें विकास बाद में हुआ, 19वीं ईस्वी के बाद हुआ, या अनुवाद की दृष्टि से आप चाहें तो एकांतवासी होगी, जगत सच्चाई सार वगैरह, श्रीधर पाठक वगैरह को ले आ सकते हैं बात, लेकिन वो भी अनुवाद है उनके 1885-86 की जो रचनाएं हैं। तो गद्य की दृष्टि से ये स्वाभाविक था कि जब आप वैचारिक रूप से परिवर्तन की आकांक्षा कर रहे थे तो गद्य की ओर जाते,
और गद्य की ओर जाते तो उस समय जो आलोचना की खास तौर से शुरुआत हो रही थी वो नाटक की ओर से हो रही थी। नाटक उसमें केंद्र बिंदु बनता है, हालांकि दो विधाएं केंद्र बिंदु बनती हैं, एक निबंध भी केंद्र बिंदु था उस समय भारतेंदु के गद्य में, और नाटक केंद्र बिंदु बनता है। नाटक आलोचना की दृष्टि से बनता है और स्वतंत्र विधा की दृष्टि से और वैचारिकता की दृष्टि से निबंध भी बनता है। निबंध को भी हम कमतर नहीं कर सकते क्योंकि भारतोन्नति कैसे हो सकती है, बलिया वाला व्याख्यान, प्रताप नारायण मिश्र के व्यंग्यात्मक निबंध, उनके प्रताप बालकृष्ण भट्ट के, बालमुकुंद गुप्त के, इनके जो निबंध थे वो बहुत ही तीखे हैं। बालमुकुंद गुप्त के निबंध तो बहुत तीखे हैं, औपनिवेशिक सत्ता शिव शंभू की चिट्ठी वगैरह और बात बताते हैं। तो ये दो तीन धरातल थे उसमें गए थे, पत्र पत्रिकाएं थी अपने ढंग से काम कर रही थी, नाटक अपने ढंग से काम कर रहे थे और निबंध भी काम कर रहे थे। बात जहां तक नाटकों की है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शायद इस बात को समझ रहे थे कि वैचारिक चेतना को प्रकाशित करने में नाटक की अपनी भूमिका है, इसीलिए जब आलोचना में आते हैं तो नाटक संबंधी एक 55 पेज की लंबा निबंध लिखते हैं वो, और उसमें वो नाटक, हालांकि उस पर भरत मुनि का प्रभाव है उस निबंध पर और वहां से, लेकिन फिर भी उसको अपने ढंग से देश काल पांच चीजें उसमें जोड़ते हैं उस नाटक में, और उसमें एक वर्तमान का परिदृश्य, देश काल, वातावरण, उसको बड़े मुखर ढंग से बताते हैं कि ये किसी भी नाटक की अनिवार्य विशेषता। ये बात वो दर्शक का ग्रंथर से अपने पूरे उस युग को ही संबोधित कर रहे होते हैं कि हमारा नाटक कैसा होना चाहिए, एक तरफ की पृष्ठभूमि। और संयोगिता स्वयंवर के बहाने से जब वो आलोचना की शुरुआत होती है, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमधन का जो विवाद होता है, और सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, और सच्ची समालोचना उनका वही है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, एक टैगलाइन बालकृष्ण भट्ट देते हैं। तो वो जो नाटक के माध्यम से, और भारतेंदु हरिश्चंद्र आप देखेंगे कि विद्यासुंदर जो पहला नाटक है 1868 का, या वैदिकी हिंसा हिंसा न होती, ये शुरुआत तो वो करते हैं अनुवाद से, लेकिन बाद के दिनों में 1970 के बाद 71 तक आते आते, चाहे वो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, दो तो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा पहला ऐसा नाटक था जो प्रतीकात्मक था, जितनी भी रोग व्याधियां हैं जितने वो ही उसके पात्र हैं। वो नाटक पढ़ते हुए कई तरह के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा, मेरे ऊपर प्रतीकात्मक चरित्रों को उठाने का विचार वहीं से आया था। तो वो ये अपने ढंग का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी बहुत छोटा सा नाटक है, और ये कहा जाता है कि किसी जमींदार को सबक सिखाने के लिए या उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये नाटक लिखा था, लेकिन वो नाटक कैसे व्याप्त होकर पूरे औपनिवेशिक सत्ता के तक केंद्रित चला जाता है और किसी भी सत्ता पर वो चोट करने वाला नाटक होता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा, इस तरह के जो सूत्र वाक्य हैं, हम सब उसी गोवर्धन दास को जी रहे हैं लगभग। हाँ, मतलब वो अपनी प्रतीकात्मकता में, ध्वनियात्मकता में नाटक इतना बड़ा हो जाता है कि वो कहीं भी देश काल की सीमाओं से परे हो जाता है। तो भारतेंदु का ये बहुत बड़ा योगदान इस तरह से था कि नाटक की परंपरा की दृष्टि से भी, नाटक के जन्मदाता की दृष्टि से भी है, अपने अंतर विरोधों के बावजूद, और अंतर विरोध भारतेंदु के जो थे वो, उनको आप अगर आप चाहें तो युग सीमा का अंतर विरोध भी मान सकते हैं। बिल्कुल, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क देता हूँ, एक चीज मुझे अभी आई, बहुत ताजा है, शेयर करता हूँ आपके साथ, आप भी इस बात से मुक्त ताल्लुक रखेंगे। देखिए, भारतेंदु युग में जो चीजें लिखी जा रही थी वो कहानी थी, निबंध थे, नाटक थे, इस तरह की जो आलोचना थी, इस तरह की जो क्रिएटिव राइटिंग थी, आलोचना अगर उस तरह से आप सृजनात्मक गद्य में नहीं रखेंगे, जो सबसे केंद्रीय चरित्र था उन सारी विधाओं का वो व्यंग था। वो धीरे धीरे कम हुआ। आप देखिए, जैसे जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरफ को हम गए तो कविताओं से व्यंग गायब हो गया, नाटकों से व्यंग गायब हो गया, निबंधों से व्यंग गायब हो गया। रामलाल जी ने भी सारा किया व्यंग। अच्छा, तो ये बड़ी बात थी कि वहां व्यंग ज्यादा ज्यादा, जबकि वो शुरुआत कर रहे थे उन सब चीजों, लेकिन फिर भी आप देखिए सारे नाटक व्यंग से भरे पड़े। आप निबंधों को भी पढ़िए, भारत में उन्नति जैसा सीरियस निबंध लगातार व्यंग। हाँ बिल्कुल, ऐसा बाद में धीरे धीरे सारे निबंध। शुक्ल जी तक जाने जाने तक निबंधों का पूरा कलेवर बदल गया, बिल्कुल सिद्धांत की तरफ चले जाते। ये एक रिमार्क था जो मुझे ठीक कहा आपने कि वो जो जिंदा दिली और व्यंग भारतेंदु के गद्य की भी विशेषता कही जाती है, वो बाद के दिनों में कहीं उजल हुआ। तो हम लोगों ने एक बातचीत, क्या एक रस्म अदायगी की अपने पूर्वज को याद करते हुए, आप सबने सुना, और मैं अपने दोनों अग्रजों
के प्रति भी आभारी हूँ, आप सबके प्रति भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।